हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम गोल्ड का वीक डेली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन में गोल्ड में कौन कौन से लेवल होंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और बोलना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप इस पर कोई ट्रेड ओपन ना करें। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड जो है बुलिश है और इसको हमें डिप से बाय देखना चाहिए। पूरे हफ्ते मैंने जितने भी एनालिसिस करी है सब में मैंने यही बोला था कि गोल्ड बुलिश है, डिप टू बाय होना चाहिए इसमें। लेकिन आप देखोगे कल के दिन में गोल्ड ने जो है कोई डिप लगाया ही नहीं, मतलब नीचे आया ही नहीं, नीचे आने का इसने नाम ही नहीं लिया। और कल के दिन में भी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया और अभी जो ट्रेड कर रहा है ये 2706 पे ट्रेड कर रहा है और प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो अभी इसमें टारगेट क्या हो सकता है? आपको याद होगा कि मैंने पिछले हफ्ते जब मैंने वीकली एनालिसिस करा था तो मैंने एक टारगेट भी बताया था कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो गोल्ड का टारगेट ये वाला रह सकता है। और वो कौन सा टारगेट बताया था अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था 2760 के पास जा सकता है गोल्ड। तो पहले हम लेवल्स मार्क करते हैं और जानेंगे कि 2760 क्यों जा सकता है। अब देखोगे फ्रेंड्स मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई को मैंने मार्क कर दिया है, और सॉरी ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को मैंने मार्क किया है। तो मैंने एक चीज बताया था कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो पहले तो वो हमारा रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे मार्केट काफी बार, आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई बना, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने वापस से रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे और मार्केट फिर से नीचे आया और इस बार जा करके इसने ब्रेक किया है। मतलब 4 इंच के टाइम फ्रेम में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये हमारा रेजिस्टेंस अब क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि आपको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अभी हमारा सपोर्ट बन चुका है और प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा सकते हैं? तो आप देखोगे मार्केट का ये लो था, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसको ऊपर लगा देना है ऐसे। अब इसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है सिंपल, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरा जो है ये टारगेट गोल्ड कंप्लीट कर सकता है। अब ये देखोगे तो 2770 पे आ रहा है, ये 2770 पे आ रहा है, मतलब प्राइस ये वाला टारगेट लगा सकता है आने वाले दिनों में। मतलब आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों का मतलब आज तो लास्ट डे है, मे बी नेक्स्ट वीक तक गोल्ड यहाँ तक आ जाए। तो गोल्ड का ये टारगेट मेरा 4 इंच के टाइम फ्रेम में है और क्यों है ऐसा वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें प्रीवियस में जाना पड़ेगा। अब देखोगे मार्केट ने पहले एक हाई बनाया था, कौन सा वाला, 2535 का। मार्केट ने काफी दिन यहाँ पे रेंज किया था, आप देखोगे मार्केट ने एक रेंज बनाया था। तो मार्केट में क्या मूवमेंट रहा था लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ, तो आप देखो गोल्ड कितना ऊपर गया, इसको ऊपर लगाओ आप देख लो, ये आप देख रहे हो ये जो मूवमेंट यहाँ पे जो प्राइस कंसोलिडेट किया था, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो कंसोलिडेशन था इसी को प्राइस ने ऊपर कंप्लीट किया। और इसके ऊपर आप देखोगे, आप देख रहे हो पहले प्राइस ने ये वाला हाई बनाया, इस हाई को जब तोड़ा तो प्राइस ने ये वाला हाई बनाया, इसीलिए मैंने ये इसको ऊपर लगाया हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर लगाता हूँ तो ये कौन से टारगेट बता रहा है मुझे, 2 6 वही 2 6 2760 का ये बता रहा है, ठीक है। तो ये अपना ऑल टाइम हाई अभी बनाएगा, अभी इसको काफी ऊपर जाना है मेरे हिसाब से। मार्केट ने काफी टाइम भी लिया है, 20 22 दिन का टाइम भी लिया है। आप देखोगे प्राइस जो है 26 सितंबर को यहाँ पे था और कल के दिन में इसने ब्रेक किया है,
पे ब्रेक किया है? 17 अक्टूबर को ब्रेक किया है, तो काफी टाइम लिया है, मतलब 20 दिनों का टाइम लगा है इसको, और 20 दिन के बाद इसने ब्रेक किया है, तो अच्छा खासा समय लेके ब्रेक किया है। हाँ, वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, तो ये डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, बीच में कुछ और भी रेजिस्टेंस मिलेंगे इसको, जैसे कुछ नंबर होंगे 2710, 2720, 3 0, मतलब इस तरह से इसको राउंड नंबर मिलेंगे, और राउंड नंबर के बाद ये जो है इसका जो ऑल टाइम हाई अभी हो सकता है वो हो सकता है 2770 का, ये ऑल टाइम हाई इसका हो सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है यहाँ पे गोल्ड में। अभी गोल्ड अगर नीचे आता है मतलब 2680 पे मिलता है, 2680, 2685 पे मिलता है, तो हमें इसमें बाई का देखना चाहिए। तो आज के लिए जो मेरा लेवल होगा बाइंग लेवल 2780, 2785 मेरा बाइंग लेवल होगा, और मैं यहाँ से छोटे असल के साथ इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना पसंद करूंगा। तो ये मेरा एनालिसिस गोल्ड के लिए है। टारगेट भी मैंने आपको बता ही दिया है, 2770 मेरा टारगेट होगा। और अगर मैं क्रूड ऑयल में आता हूँ, कल के दिन में आपने देखा होगा कि मैंने लाइव में सेल भी किया था क्रूड ऑयल को, और मैंने बताया था कि भाई इसको जो है टॉप से सेल ही देखना चाहिए। तो 4H में देखते हो, तो गोल्ड ने एक रेंज बनाई हुई है, वो रेंज क्या है? वो रेंज फ्रेंड्स ये है, अगर ये नीचे जाता है तो ये कौन सा है फिर? ये है 67.9, यानी 68 तक का जोन है नीचे, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर सकता है। टॉप से सेल ही देखना चाहिए, ऊपर अगर जाता है तो ऊपर से हमें छोटा ऐसा लगा के डाउन साइड में जाना चाहिए, डाउन साइड देखना चाहिए। तो क्रूड में मैं डाउन साइड हूँ, गोल्ड में मैं अप साइड हूँ। कल भी मैंने गोल्ड को अपसाइड बताया था, क्रूड को डाउन साइड बताया था, तो ये मेरा एनालिसिस रहेगा गोल्ड और क्रूड में। बाकी हम 10 बजे लाइव में मिलेंगे, तो फ्रेंड्स मिलते हैं लाइव में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको और किस पे किस पेयर में आपको एनालिसिस चाहिए, तो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।